हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम बहुत पास में है, जून में है, और अभी तक जो जितने भी इसमें नकल माफिया है और भी बहुत सारे लोग हैं जो शामिल हैं, अभी उनका पता नहीं चल पाया है। और इसी बीच में जो है ईओयू ने बहुत सारे नए खुलासे किए हैं, और 2 से 3 दिन से ये सारी चीज़ें चल रही थी, मैं इस पर वीडियो नहीं बना रही थी, बट अब ये सही समय है वीडियो बनाने का, क्योंकि आप भी जानते हो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है, और अगर उसके पहले बहुत सारे जो लोग भी इसमें शामिल हैं अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं बट थोड़े बहुत लोगों को फिर से जो है क्वेश्चंस पेपर जो है आउट करा कर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे इनको पैसा भी मिलता है। और इतने लालची लोग जो कि पैसे के में इतने अंधे हो चुके हैं, जिन्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि इससे कितने सारे स्टूडेंट्स का जो है करियर वो दाव पे लग जाता है। और एग्ज़ाम भी अभी पास में है और बहुत सारे नए खुलासे हुए हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी टीआरई 3 की तो बहुत अच्छे से रिविज़न करना, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका 10 जून में है, 10 से लेकर 11 कभी भी हो सकता है आपका, 1 से 2 दिन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 1 to 5, 6 to 8 या फिर 9 से 10 में भी भरा होगा, तो उसके लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। साथ में आपको दोबारा से जाना है, आपके फिर से खर्चे होंगे, तो इससे बेटर है कि आप इसी बार अच्छे से जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर लें, ताकि आपको बार बार जाना ना पड़े। और मान लो अगर आप में से कुछ लोगों ने सीटेट भी भरा हो, क्योंकि सीटेट का जो है एग्ज़ाम आपको पता ही है जुलाई में है, दोबारा से बीपीएससी टीआरई 4 होगा, क्योंकि कुछ लोग 1 to 5 में शामिल हो जाएंगे, फिर वो चाहेंगे कि उनको 6 to 8 में भी आगे चलकर एग्ज़ाम देने को मौका मिले, तो सीटेट की भी तैयारी अच्छे से करते रहना। तो सीटेट पेपर 2 में यही बताना चाहूँगी कि अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, और तो सोशल साइंस के लिए में आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आती है, तीनों ही 15-15 नंबर के आते हैं, बट ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का होता है। तो हिस्ट्री का बाइलिंगुअल नोट्स जो है हमारा तैयार हो चुका है, अगर आपको चाहिए होगा तो स्क्रीन पे आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आपको केवल उस पर मैसेज करना है कि आपको नोट्स चाहिए, तो आपको तुरंत जो है वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, ओनली 49 रुपीज़ में है। तो चलिए, सबसे पहले जो ईओयू ने जो 2 से 3 दिन पहले और कल भी न्यूज़पेपर में निकला था कि 15 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम था वो 3 दिन पहले यानी कि 12 मार्च को ही पहले ही रास्ते में इसको स्कैन कर लिया गया है, ये सबसे बड़ा जो है एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वो पेन ड्राइव, आप जानते ही हो जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस था वहाँ से फिर उसको पेन ड्राइव में लिया गया, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स तक पहुँचाया गया, तो ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, बहुत एक मतलब ठीक नहीं मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग तो नहीं होंगे शामिल। बट ये जो न्यूज़ आई है जो कि ईओयू ने नया खुलासा किया है कि ये जो है इन लोगों ने एक स्पेशलाइज्ड टूल्स के थ्रू जिसमें क्वेश्चंस पेपर होते हैं उस बॉक्स को ओपन किया है, और जब ये क्वेश्चंस पेपर को पटना से नवादा लेकर जा रहे थे उसी बीच में एक रेस्टोरेंट में वहाँ पर रुकते हैं, इसमें वेंडर्स 6 लोग गिरफ्तार हैं, वेंडर्स और कुछ ट्रांसपोर्ट के 6 लोग गिरफ्तार हैं। उनसे जब पूछताछ हुई तभी जाकर सारी चीज़ें सामने आई है कि जब वो पटना से नवादा लेकर जा रहे थे, सोचिए कितना बड़ा ट्विस्ट, मतलब पहले प्रिंटिंग प्रेस की चीज़ें सामने आ रही थी बट इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि ईओयू का ये भी कहना है कि जो ये आपका ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रिंटिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, वेयर हाउस हो गया, इन सभी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत सारे लोगों को नहीं होती, ये गोपनीय मतलब एक इसको जो है सीक्रेट रखते हैं, कुछ लोगों को ही पता होता है। तो आखिर में ये सारी चीज़ें बाहर कैसे आ गई, और जब क्वेश्चंस पेपर को लेके जाया जा रहा है तो वेंडर्स एंड जो ड्राइवर हैं इनको गिरफ्तार किया गया है, जिस भी गाड़ी से वो जा रहे हैं वो भी शामिल हैं, रेस्टोरेंट में रुकते हैं उसके पहले ही वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, और जैसे ये लोग क्वेश्चंस पेपर को बॉक्स में ही होता है लेकर जाते हैं तो वहाँ पर पहले रुकते हैं, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड टूल्स के थ्रू उसको ओपन करते हैं, फिर क्वेश्चंस पेपर को स्कैन करते हैं और फिर इसको भेज देते हैं हजारीबाग के बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थी जो हैं रुके हुए थे क्वेश्चंस पेपर के आंसर्स उनको रटवाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितने सारे लोग शामिल हैं। अच्छा, जो इसमें पकड़ा गया है वो पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स को ना प्रोफेशनल तरीके से उसका क्वेश्चंस पेपर लीक करता आया है, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और ईओयू अपनी जांच में लगी हुई है, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो एक सबसे बड़ा बयान ये आया है कि आखिर में जो ये ट्रांसपोर्ट हो गया, आप भी जानते हो कि जहाँ पे भी क्वेश्चंस पेपर कराना है, जो क्वेश्चंस पेपर होता है इवन उसको भी बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके जो है रखा जाता है, ताकि कोई गलती से भी जो भी नकल माफिया है वो इसको जो है ओपन ना कर सकें। तो आखिर में ये जब क्वेश्चंस पेपर गया है पटना से नवादा और बीच में जो रेस्टोरेंट में रुके हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे इतनी आसानी से कैसे हो गई? और दूसरी चीज़, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, प्रिंटर्स एंड ट्रांसपोर्ट, इसकी सारी चीज़ें भी सभी लोगों को नहीं पता होती है, कुछ लोगों को ही पता होता है। तो आप भी समझ सकते हो कि इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, अदरवाइज़ इतनी आसानी से, वो भी बीपीएससी का पेपर, आप सोचो बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम का पेपर लीक कराना और उसको भी इतने तरीके से 3 दिन पहले, आप सोचिए 15 मार्च को एग्ज़ाम है आपका, 3 दिन पहले ही पता नहीं कितने सैकड़ों स्टूडेंट्स के पास ये क्वेश्चन पेपर पहुँच चुका होगा, जो कि आराम से पेपर भी
सोचेंगे उनसे कैश तो लिए ही गए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख ये तो आज के समय बहुत ही नॉर्मल हो चुका है और स्टूडेंट्स देने को भी तैयार हैं। वो भले से अपनी ज़मीन बेच देंगे, प्रॉपर्टी अपनी बेच देंगे, बट एक सरकारी नौकरी चाहिए और उसकी किस्त वो भर के सोचते हैं कि चलो ठीक है एक बार मिल गई नौकरी, देन हम अपना ये पूरा पैसा जो है हिसाब बराबर कर लेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स तो हैं ही, वो तो है ही गलत, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स तक वो कांटेक्ट करते हैं और ये भी इनको भी चाहिए भाई कि हमको फ्री में मिल जाए क्वेश्चन पेपर, फ्री में हम जो है बन जाएं शिक्षक या कहीं किसी भी नौकरी में। अच्छा, जो इसमें पकड़ा गया है, आई थिंक उसका नाम सीयू है, जब उससे पूछताछ चल रही है तो उसने बताया कि हम और भी जो आई थिंक कोई दरोगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं अलग अलग राज्यों में, उसको भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो कराता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आई है और बस यही एक रिक्वेस्ट है कि BPSC TRE3 का ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये बहुत ही अच्छे से हो, क्योंकि इनके पास हर एक चीज़ का है। ये अगर अब देखो ये सारी चीज़ें हुई ना, अब ये इसका डबल दुगुना मतलब बहुत दूर तक का सोच के फिर से अपनी प्लानिंग करेंगे ये, इसी क्योंकि इनका दिमाग इसी में चलता है कि अच्छा इस बार हम इस तरीके से पकड़े गए हैं, आगे हमको कुछ और ही अपनी स्ट्रेटेजी करनी होगी। अदरवाइज़ जो बॉक्स में क्वेश्चन पेपर है उसको एक स्पेशलाइज टूल के थ्रू ओपन करके क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके भेज दिया गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास। अब देखिए कुछ लोग तो इसमें पकड़े गए, ठीक है उनका बात वो सामने आ गए, कुछ स्टूडेंट्स भी इसमें पकड़े गए, बट कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो कि सामने ही नहीं आए हैं अभी तक। और सबसे बड़ा सवाल है, और आप भी इसका जरूर जो है आंसर दीजिएगा, कि आखिर में ये कैसे पॉसिबल हो पाया है कि जो वेंडर्स हैं, जो ड्राइवर हैं वो भी शामिल है इसमें, ड्राइवर जिस गाड़ी से वो जा रहे हैं वो भी शामिल है, सबको पैसा खिलाया गया, सबको हर जगह मतलब ये पूरे प्रोसेस में ही एक चेन है जिसमें सबको पैसे खिलाए गए हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखें और उनको पैसे मिले, फिर वो इस तरीके से अपनी ये पूरे जो चालबाजियां हैं वो कर सकें। अच्छा, जो प्रिंटिंग प्रेस का था आपको भी पता है कि वहाँ से जो पेन ड्राइव में वो चीज़ तो सही थी, बट उसके पहले ये चीज़ हो चुकी है। आप 15 को क्वेश्चन पेपर जो है, जो चीज़ें सामने आई हैं कि पेन ड्राइव में अलग अलग सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन पेपर पहले ही निकले हैं वो पेन ड्राइव वाला, बट उसके पहले ये घटना हो चुकी थी 12 मार्च को रेस्टोरेंट में, और आई थिंक उस रेस्टोरेंट का नाम पटना से नवादा के ही बीच में है कोई रेस्टोरेंट, और जहाँ पे वो लोग रुके हैं वहाँ पर भी कुछ लोग थे जो कि इस चीज़ को अंजाम दे रहे थे और वो आराम से बढ़िया से इंतज़ार कर रहे थे कि बस जल्दी से हमारे पास बॉक्स आए, हम क्वेश्चंस पेपर निकालें और अपना चलते बने और ये जो है दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचा दें। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, जैसे कि सभी लोगों के मन में यही है कि ये इतनी आसानी से हो कैसे जाता है, और अभी इस पर जाँच चल रही है, जितने लोग भी शामिल होंगे उनका सामने आना जरूरी है, और आप भी जानते हो ये तो छोटे मोटे लोग हैं, और अगर क्वेश्चंस पेपर को स्कैन किया जा रहा है तो इसमें एक बहुत ही बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है, अदरवाइज इतना आसान नहीं है कोई भी क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप जानते हो कि आप इवन जब आप आपका जो पेपर होता है आपने देखा होगा ओमार सीट, आपके सामने ही इसको ओपन करते हैं कि वो सील्ड है या नहीं, ये तक चेक किया जाता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि पहले से ही ओपन हो, तो टीचर्स भी आपके सामने ही ओपन करते हैं कि देखो भाई ओमार सीट जो है ऑलरेडी जो है पैक है, हम तुम्हारे सामने ओपन कर रहे हैं, तो आपको दिखाया जाता है। बट ये तो पहले ही सारी घटनाएं हो चुकी हैं कि इन लोगों ने पहले ही स्कैन कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो देखते हैं, बस यही है कि TRE3 का जो एग्ज़ाम है उसके पहले सारे जितने लोग भी इसमें शामिल हैं वो पकड़े जाएँ, और साथ में EOU अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको इतनी सारी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है अभी तक नहीं मिल पाती, बट मेन जो टॉप पे है ना उसका पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप भी जानते हो कि एग्ज़ाम में ये बड़े लेवल पे नहीं बट छोटे मोटे लेवल पे करने की कोशिश जरूर करेंगे ये जो नकल माफिया हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको पता ही है, अगर आपको सीटेट के नोट्स लेने होंगे तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, 1 बजे सीटेट की क्लास है एंड 5 बजे BPSC का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है तो रिविज़न एंड प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।